भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की मुश्किलें लगता है कम नहीं होने वाली। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में एक अर्जी दी है कि भारती और हर्ष की जमानत याचिका खारिज की जाए। जी हाँ, ये अर्जी जो है कोर्ट में दी गई है और साथ में ये भी कहा है कि वो भारती और हर्ष की कस्टोडियल इंटरोगेशन करना चाहते हैं। इसी बात को लेकर कोर्ट ने अब हर्ष और भारती को जो है नोटिस भेजा है और अगले हफ्ते जो है इस पर सुनवाई हो सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आपको याद होगा कि 21 तारीख को जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने हर्ष और भारती के लगभग 3 ठिकानों पर, ऑफिस और घर पर रेड मारी थी। 86.5 ग्राम गांजा मिला था। इतना ही नहीं, कुछ कैश भी बरामद हुआ था, जिसके बाद उनकी इंटरोगेशन के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और 23 तारीख को उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस बात को लेकर एक स्पेशल जो है एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में अर्जी डाली है कि वो चाहते हैं कि इन दोनों की जमानत जो है वो खारिज कर दी जाए। मैं आपको याद दिला दूं कि जब गिरफ्तारी हुई थी हर्ष और भारती की, तब भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस बात का पक्ष रखा था कि वो हर्ष की कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। तो अब ये देखना होगा कि क्या उनकी जमानत याचिका भारती और हर्ष की खारिज होती है, क्या कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए एनसीबी को परमिशन मिलती है, और जब से भारती और हर्ष की गिरफ्तारी हुई उसके बाद जब वो रिहा हुए, तभी से सोशल मीडिया पर लगातार इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। जब भी ये दोनों कोई भी पोस्ट डालते हैं उसके बाद जो है लोग इनको बहुत ज़्यादा जो है ट्रोल कर रहे हैं। वहीं भारती के हाथ से कपिल शर्मा शो चला गया है, ये भी खबरें आ रही थी, क्योंकि हमने देखा कि वीकेंड पर जो शो ऑन एयर हुआ था उसमें भारती नहीं थी। इतना ही नहीं, जो प्रोमो है जो इस वीकेंड पे आने वाला है उसमें भी भारती नहीं है। तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद अब मेकर्स जो है भारती को वापस नहीं लेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि भारती और हर्ष की मुश्किलें जो है कम होती हुई नजर नहीं आ रही, और अब एनसीबी ने जो याचिका दी है कोर्ट में, देखना होगा कि इस पर अगले हफ्ते जो है क्या फैसला आता है।